हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, वी डीलिंग विद 10 एएम डेली सीरीज। तो आज का लेक्चर नंबर 141 है, ओके। और आज 29 दिसंबर है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, दैट्स गोइंग टू बी इजी, आई कुड से, ठीक है। क्योंकि आज का जो कट ऑफ होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 8 मार्क्स, ओके। तो देखते हैं कौन कौन कट ऑफ को क्लियर कर पाता है। मैं फिर से आपको बता दूं, हमने अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस 3rd जैन से अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप उसके, अगर आपको उसके डेमो के बारे में देखना है कि एक्चुअली सिलेबस में क्या क्या है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे उस वीडियो को जरूर देख लें, उस पबैड का, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 141 लेक्चर में कौन कौन लोग जो 8 मार्क्स क्वेश्चन है, 8 कट ऑफ है, कौन कौन क्लियर कर पाते हैं। जो और जो मध्य प्रदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पता होगा मध्य प्रदेश पीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका एग्जाम 11 अप्रैल को है। उसके लिए भी हम एक नया कोर्स लेके आ रहे हैं, जो अपडेटेड न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगा। तो उसके लिए भी आप अपडेट बनाए रखिए विद इन 2 or 3 डेज। मान लीजिए आप 2nd जैन और 1st जैन के अराउंड हम बहुत सारे नए कोर्सेज लाएंगे, जो हम आपको अवेलेबल कराएंगे, ओके। और याद रखिए, हम अपना ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको 1st जैन और 3rd जैन के बीच में मिलती रहेगी, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैंने बहुत सी बातें कर दी, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज आर टूडेज एमसीक्यू सीरीज। पहला क्वेश्चन है, करंट अफेयर से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, दैट इज नॉर्ड, याद रखिए नॉर्ड स्ट्रीम 2, ओके। ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 न्यूज में है, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, ये न्यूज में क्या है ये एक्चुअली नॉर्ड स्ट्रीम 2? अब बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा मे बी। देखिए ऑप्शन भी कैसे हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट है इंडिया का, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट हो रहा है श्रीलंका में, उसका नाम है, ये सी वे है साउथ चाइना सी की, ये गैस पाइपलाइन है बिटवीन रशिया एंड जर्मनी, ओके। तो जिसने नहीं सुना है नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है, कोई बात नहीं, आप अब इसको याद कर लीजिए, आपके करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। मैं उसी बैकवर्ड लिंकेज में क्वेश्चंस को कवर करता हूं, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये गैस पाइपलाइन है जो रशिया और जर्मनी के बीच में कनेक्ट कर रही है। आपने, अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, आप देखिए ये रशिया है और आपको जर्मनी दिख रहा होगा, बीच में बाल्टिक सी है, तो आप देख रहे होंगे ये जो गैस पाइपलाइन बन रही है, इसका सबसे मेन चीज क्या है, याद रखिएगा ये बाल्टिक सी के अंदर बन रही है, तो इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कि इट्स ब्रिंग रशियन गैस अंडर द बाल्टिक सी डायरेक्ट टू जर्मनी, तो बाल्टिक सी में बन रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो याद रखिएगा ये है क्या, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, ओके, बिटवीन जर्मनी एंड रशिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 2nd में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, FCRA, आपने सुना भी होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ओके। क्वेश्चन यहां पर पहला तो ये है, पहले आप मुझे बताइए जो एक्ट है किस ईयर में पास हुआ, ओके, किस ईयर में ये एक्ट आया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल से पूछा, इस एक्ट को इंप्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन FCRA का, ओके। और जितने भी NGOs होते हैं उनको रिक्वायर्ड है टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट टू रिसीव फॉरेन फंडिंग, तो अगर आप NGO हैं, आपको फॉरेन फंडिंग चाहिए, तो आपको इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 only 2 only, बोथ आर करेक्ट, या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है? सबसे पहले इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, एक्ट किस ईयर में आया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आई होप आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, यस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको इंप्लीमेंट करती है, और जितनी भी NGO को फॉरेन फंडिंग चाहिए होती है वो FCRA के अंदर आती है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2, ओके। तो चलिए सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd मैंने हिस्ट्री से लिया है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको नहीं बने, बट एक नॉलेज जरूर मिलेगी आपको। क्वेश्चन है मालाबार रिबिलियन से, आपको पता होगा ये मालाबार रिबिलियन जो है ये केरल में रिबिलियन हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा कि 1921 में रिबिलियन हुआ अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, जो वैगन ट्रेजेडी है दैट इज रिलेटेड टू दिस मोपला रिबिलियन, इसको मोपला रिबिलियन भी, मालाबार रिबिलियन भी कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिए एक ही नाम है, ओके। तो दीज आर द 2 स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 only 2 only, बोथ है, या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है? आपको लोग सोच रहे होंगे सर मैं पढ़ा है मालाबार रिबिलियन या मोपला रिबिलियन, 1921 में केरल में हुआ है, ऑफकोर्स इसमें मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था, ओके। तो याद रखिएगा ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ही था, ओके। अब ये वैगन ट्रेजेडी क्या है, क्या ये इससे रिलेटेड है, ये ट्रेजेडी थी क्या? तो यस, द ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू दिस मालाबार रिबिलियन या मोपला रिबिलियन। याद रखिए आप यहां पर देख सकते हैं एक वैगन दिख रहा होगा आपको, जैसे आपने ट्रेन देखी होगी जहां पर सामान रखे जाते हैं, वहां पर बहुत सारे मोपला जो थे, याद रखिए जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, उनको इसके अंदर डाल दिया जाता है, इनको शिफ्ट किया जा रहा था एक जेल से दूसरे जेल पे, ओके। तो जिसके सफोकेशन की वजह से मर जाते हैं, तो ये वैगन ट्रेजेडी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी वजह से ऑफकोर्स ब्रिटिश के अगेंस्ट बहुत गुस्सा रहता है, सो आपको याद रखना, यस, वैगन ट्रेजेडी जो थी दैट वॉज रिलेटेड मोपला रिबिलियन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2। मैंने यहां पे लिख भी रखा है वैगन ट्रेजेडी ऑफ 1921, याद रखिएगा एटलीस्ट 60
प्रिजनर्स जो थे वो सफोकेट होके डेथ हो गई थी उनकी, जहां पर विंडोलेस, याद रखिएगा विंडो नहीं थी वहां पर, वो फ्राइड कॉरिडोर, याद रखिएगा फ्राइड वैगन थी जिसमें सामान ढोते हैं, सामान ले जाते हैं, उस पर उनको रखा गया था, और विंडो नहीं होने की वजह से उन सबकी डेथ हो जाती है। ओके, सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं, डेट इज रिगार्डिंग, मे बी ये क्वेश्चन शायद आपको नहीं बने ये भी, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, बट आपको सीखने को जरूर मिलेगा ये एक्चुअली है क्या। पहला स्टेटमेंट है, ये एक एस्टैब्लिश्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, इन 1972 में इसको रजिस्टर किया गया था इस एक्ट के अंदर। सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। सो दीज आर द टू स्टेटमेंट। तो सुन के आपको लग रहा होगा इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, हाँ सर ये कुछ कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर हो सकती है, बट याद रखिए इट डजंट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दैट इज रॉन्ग, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। रिमेंबर पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कहते थे, अब उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए अभी एट प्रेजेंट हु इज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बट येस ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश्ड है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू ओनली है। मैं आपको बता देता हूँ, जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है इसका काम क्या है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है रिमेंबर, और द काउंसिल प्रोवाइड ग्रांट असिस्टेंस एंड फेलोशिप फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, जो हिस्टोरिकल रिसर्च होते हैं उसमें असिस्टेंस ग्रांट्स प्रोवाइड करती है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आते हैं, दैट इज रिगार्डिंग लेप्रोक्सी। ठीक है, लेप्रोक्सी डिसीज आपने देखी होगी, देखिए मैंने इमेज भी बना रखी है लेप्रोक्सी डिसीज के बारे में। ओके, दो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, द डिसीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिसीज है, और नाम भी लिखा हुआ है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, याद रखिएगा ये इस बैक्टीरिया का नाम है जिससे डिसीज होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, इंडिया ऑफिशियली लेप्रोक्सी फ्री हो गया है 2020 में, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी रिसेंटली न्यूज में भी था, हिमाचल प्रदेश में लेप्रोक्सी न्यूज में भी आया था, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ आर करेक्ट, या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। याद रखिएगा क्वेश्चंस को आप देखिए, आप तुरंत गेस किया करिए, दैट इज मच बेटर, क्योंकि गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं, आपको सीखने को जरूर मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, येस इट इज अ बैक्टीरियल डिसीज, रिमेंबर। सेकेंड, ये लेप्रोक्सी फ्री नहीं हुआ है अभी, तो हिमाचल प्रदेश में डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। ओके, बट वी वॉन्ट कि हमारा देश भी लेप्रोक्सी फ्री हो जाए, बट अभी नहीं हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वन ओनली, रिमेंबर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में आते हैं, रिमेंबर क्वेश्चन है फॉरेक्स रिजर्व, याद रखिएगा हम किसको फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, गोल्ड को, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ आईएमएफ को, फॉरेन करेंसी एसेट्स को, या रिजर्व ट्रैंक इन द आईएमएफ को। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर रिजर्व, ठीक है गोल्ड सुन लिया, एसडीआर भी सुना है हमने आईएमएफ में, फॉरेन करेंसी भी सुनी है, बट रिजर्व ट्रैंक इन द आईएमएफ मतलब क्या होता है। क्या होता है, जब आप आईएमएफ के मेंबर बनते हैं तो आपको कुछ इमरजेंसी फंड्स रखने पड़ते हैं, मतलब कुछ फंड्स रखने पड़ते हैं कहां पे, आईएमएफ में, कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप उन फंड्स का यूज कर सकें। तो हर कंट्री, मेंबर कंट्रीज, वो फंड्स रखती है। ओके, दैट इज नोन एज रिजर्व, एक रिजर्व ट्रैंक के कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो आपको बताना है किसको हम यहां पर फॉरेक्स रिजर्व कंसीडर करेंगे। आपको ऑप्शन दिए हुए 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, या ऑल ऑफ द अबव। तो जिसको नहीं पता है, पता होना चाहिए फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जितने भी दिए हुए हैं ये सब फॉरेक्स रिजर्व के अंदर आते हैं। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईएमएफ का आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, आईएमएफ में एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि आईएमएफ में प्रेजेंट मेंबर कितने हैं। ठीक है, और आईएमएफ का भी हेड कौन है, इसका नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, इजी क्वेश्चन है। चार स्टेट्स दिए, यूपी, एमपी, असम और वेस्ट बंगाल। बोला गया सबसे ज्यादा स्टेट्स को, या यूनियन टेरिटरीज दोनों को ऐड कर लीजिए, सबसे ज्यादा किसको, कौन स्टेट टच करता है, नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मैक्सिमम टच करता हो, यूपी, मध्य प्रदेश, असम या वेस्ट बंगाल। विच इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। ओके, तो आई थिंक कुछ लोगों ने तुरंत लगाया होगा उत्तर प्रदेश, और करेक्ट आंसर लगाया उत्तर प्रदेश। एट स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी, दैट इज दिल्ली को, याद रखिएगा शेयर करता है बॉर्डर, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ओके, लिखा भी है 9 डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटी को टच करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8th में आते हैं, दिस इज रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटी, जो कि इजी क्वेश्चन है, बट आई होप अगर आपने पॉलिटी के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो मे बी ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। ओके, क्वेश्चन है फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स है, ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, सेकंड, आर्टिकल 48A जो है, ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, बोला गया यहां पे स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ओके, तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ आर करेक्ट, या दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, तो आई थिंक पॉलिटी पढ़ी होगी, तो फॉरेस्ट, यस इट कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, रिमेंबर। अब आपको मुझे बताना है जो आर्टिकल 48A है,
ओके, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, या तो गांधीयन प्रिंसिपल है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा प्रिंसिपल होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ वन एंड टू, ओके, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए हुए थे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में आते हैं। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 24/7 एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है टू सपोर्ट द पीपल फेसिंग एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइडल। आपने सुना होगा अभी रिसेंटली एक फेमस एक्टर की भी डेथ भी हो गई, मतलब उन्होंने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। शायद आपको उनका नाम पता होगा, उनके उनके बारे में तो बहुत न्यूज़ चली है, तो आई थिंक एवरी पीपल नो, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइडल की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है, ठीक है, फॉर मेंटल कंसर्न्स, ओके। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हेल्पलाइन, हेल्पलाइन का नाम क्या है, याद रखिएगा, सहाया, सहाय, किरण, विकास या एम सपोर्ट। सो विच इज द दिस दैट इज हेल्पलाइन नंबर का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हेल्पलाइन। इसका करेक्ट आंसर नहीं पता है, कोई बात नहीं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज किरण है, ओके। तो याद रखिए कट ऑफ जो नहीं 8 मार्क्स आपके आए, अगर आपके 6-5 भी आ रहे हैं, ओके, दैट इज सफिशियंट, और नहीं भी आ रहे हैं स्टिल यू आर गेटिंग समथिंग, दैट इज मच बेटर, ओके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज किरण, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, दैट इज रिगार्डिंग असम राइफल्स। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत हो सकता है, स्टेटमेंट बोला गया इनकरेक्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला है, आई थिंक जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की प्रिपरेशन करते हैं, असिस्टेंट कमांडिंग का एग्जाम देते हैं, उनके लिए हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो। क्वेश्चन है कि ये जो असम राइफल है, इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स अंडर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर एक पैरामिलिट्री फोर्स है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसने अभी एक तरीके से इसका ऑपरेशन, इसका इसने मतलब ऑपरेशन ये किया है एज अ पार्ट ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका 1987, तो पीस कीपिंग फोर्स में इसको श्रीलंका भेजा गया था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पूछा क्या गया था, इनकरेक्ट, यानी बोथ आर करेक्ट, तो हमें इनकरेक्ट बताना था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इज नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। आई होप आपको एक जो हमारी सीरीज थी इससे आपका कट ऑफ और आप इसके आसपास कट ऑफ के पहुंचे होंगे और आपको कुछ सीखने को तो मिला होगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। याद रखिए हमारे जो क्वेश्चन सीरीज है उसका मेन एजेंडा रहता है कि हम क्वेश्चंस को सीखें, ओके, वो हमारा मेन टास्क है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है। रिमेंबर ये क्वेश्चंस हम बहुत मेहनत से ढूंढते हैं, तो इनको ज़रूर आप सॉल्व किया करें, ओके, क्योंकि याद रखिएगा अगर ये 141 सीरीज चल रही है इसका मतलब अराउंड 1400 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ओके। तो आपको ज़रूरत है कि हर दिन अगर आप 10 क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप सोचिए एट द एंड ऑफ द एग्जाम, अगर हम जून में एग्जाम देने वाले हैं, अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप मान के चलिए अराउंड 2000 से 2500 क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे, आपको ये हेल्प देगा आपके एग्जाम में, ओके। तो इन सीरीज को जरूर देखा करिए, ज्यादा टाइम नहीं लेती है, 15 मिनट्स अगर आपका कंज्यूम भी कर रही है तो एटलीस्ट आपको कुछ सीखने को मिलता है। ये मत सोचा करिए मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मैं सीरीज देखूंगा, मैं बड़ा डिप्रेस हो जाऊंगा। याद रखिएगा यहां पर अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है दैट इज मच बेटर, ओके। अगर आपको कोई डाउट क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और याद रखिए जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनको तो जरूर मेंशन करते जाएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियो, डू लाइक आवर वीडियो। थैंक यू।